ఉత్కళ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ప్రమాదంపై రేపటి నుంచి దర్యాప్తు మొదలవుతుందని అధికారులు చెప్పారు. రైల్వే సేఫ్టీ కమిషన్ దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తుందన్నారు. దోషిగా తేలిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఈ రాత్రి 10 గంటలకు ట్రాక్ క్లియర్ చేసే ట్రాఫిక్ పునరుద్ధరిస్తామన్నారు. ఈ ఘటనలో 20 మంది చనిపోగా 92 మంది గాయపడ్డట్టు చెప్పారు. जब वो अपने रन थ्रू पास हो रही थी, उसकी 13 कोचेस डिरेल हुई. उन 13 कोचेस के डिरेल होने से जो आगे की 5 कोचेस थी, पीछे की 5 कोचेस थी, वो सिर्फ ट्रैक पे थी. बीच की कोचेस स्टेशन से ठीक आगे निकलने के बाद ही उनका डिरेलमेंट हुआ, जिसमें से 6 से 7 कोचेस कैप्साइज भी हुई. तुरंत सारा जितनी भी राहत की कार्रवाई, रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन रेलवे ने करना प्रारंभ कर दिया. NDRF की टीमों की मदद ली गई और मुजफ्फरनगर और मेरठ के हॉस्पिटल्स में सारे ही जो घायल थे हमारे यात्री, उनको पहले शिफ्ट किया गया. बहुत दुखद दुर्घटना थी जिसमें लगभग 20 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई और 92 लोग, जिसमें से 22 लोग ग्रीवस इंजर्ड, जिसे कहते हैं गंभीर रूप से घायल हुए, और 70 लोग साधारण रूप से घायल हुए, इनको मामूली चोटें आईं. उन सबको अस्पताल में भेजा गया. रेस्टोरेशन ऑपरेशन उसके बाद से शुरू कर दिया गया. अभी तक के समाचार के हिसाब से करीब 8 कोचेस रिरेल हो चुकी हैं और बाकी बची हुई जो 5 कोचेस रह गई हैं, वो शाम को लगभग 7 से 8 बजे के बीच में उनको भी रिरेल कर दिया जाएगा. उसके बाद जो हमारा OHE का कार्यक्रम है, OHE की जो रिपेयर्स है वो अंडरटेक करी जाएगी. 200 मीटर के लगभग ट्रैक डैमेज हुआ है, 500 मीटर के लगभग OHE डैमेज हुई है. ये करते कराते मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजे, आज 10 बजे रात तक हमारा ट्रैफिक उस लाइन के ऊपर रिस्टोर हो जाएगा. और रेल मंत्री जी लगातार इस बात को पहले भी कहते आए हैं कि इसमें हम लोगों की 0 टॉलरेंस है, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है. कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो नॉर्दर्न सर्कल के हैं मिस्टर पाठक, वो कल से इसकी इंक्वायरी शुरू कर देंगे. और जब वो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी करते हैं, जो कि सिविल एविएशन मंत्रालय के अंदर में आते हैं, तो वो सारे तथ्यों को ध्यान में लाते हैं. हर तरह के डिटेल्ड अब एनालिसिस करी जाती है, इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, फॉरेंसिक को लाया जाता है और कारणों की पूरी तरह से पुख्ता जांच की जाती है. जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करते हैं, जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं या जो भी जिस तरह की भी कमी पाई जाती है. इस वाले केस में भी जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, कुछ अब ऑडियो क्लिप भी हैं जिसमें कुछ वार्तालाप भी सुनाई दे रहा है. कल ये भी रिपोर्टिंग थी और वहाँ साइट पे हम लोगों ने जब मुआयना किया तो देखा भी गया था कि कुछ इक्विपमेंट रेलवे का, जो कि ट्रैक रिपेयर का होता है, वो इक्विपमेंट भी वहाँ ट्रैक साइट के ऊपर उपलब्ध था. ये भी कहा जा रहा है कि एक वहाँ पे कुछ कार्य चल रहा था और वो कार्य में जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे, ये भी एक कारण हो सकता है इस दुर्घटना का. इन सारी चीज़ों का संज्ञान में लेते हुए अभी क्योंकि रेस्टोरेशन चल रहा है, रिलीफ और रेस्टोरेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उसमें लगे हुए हैं. आज शाम तक जैसे ही ये सारा रेस्टोरेशन हमारा ट्रैफिक का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही ये भी निर्णय लिया गया है कि इसमें जो प्राइमा फेसी भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे, शाम तक वो रिपोर्ट भी पूरी आ जाएगी. रेल मंत्री के आदेश हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.